अब मैं आपसे वो खबर शेयर कर रहा हूं जिसे पूरी दुनिया की सियासत में भूचाल आ चुका है। बिन्यामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया और फिर बयान के बाद इस हवाले से जल्द ही कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, इस वक्त अगर पाकिस्तान में कोई सबसे बड़ी बहस है तो वो है इसराइल को तस्लीम करने या ना करने की बहस। इस हवाले से इस वक्त जनूबी एशिया की सियासत में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद अरब दुनिया में ही नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया में एक हलचल मच गई है। हर मुसलमान इसराइल के हवाले से जो मौकफ रखता है वो कोई नया नहीं है। जब से इसराइल वजूद में आया है तब से लेकर अब तक हर मुसलमान फलस्तीन पर जुल्म और जबर के हवाले से इसराइल को मुजरिम और जालिम रियासत के तौर पर जानता है। लेकिन अब तीन नस्लों के बाद, अब सात दहाइयों के बाद, आखिर वो कौन सी बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त दुनिया में हुई है जिसके बाद मुसलमानों की इसराइल के हवाले से ना सिर्फ राय तकसीम हो चुकी है बल्कि मुस्तकबिल में एशिया की सियासी और ज्योग्राफियाई सूरत हाल में यकसर तब्दील होने के इम्कान हैं। आज मैं आपके साथ वो बड़ी खबर शेयर करूंगा बल्कि इसराइल के आखिरी अजायम हैं क्या और इसका मुस्लिम दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, जो हम सब के लिए इंतहाई अहम है। इस पर भी बात करूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन अपडेट्स, तज़ी और तबसरे जो है वो बरवक्त मिल सके और आपका हमारा साथ जुड़ा रहे। नाज़रीन, अगर माजी करीब में मुसलमान किसी भी मुल्क को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते रहे हैं तो वो ये कहना गलत ना होगा कि वो इसराइल है। इसराइल से मुस्लिम दुनिया की नफरत और दुश्मनी की एक तारीख है। अगर मैं इसकी इब्तिदा के साथ इस सिलसिले में बात करूँ तो यहूदियों की इस्लाम दुश्मनी उतनी ही पुरानी है जितनी रियासत मदीना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबूवत का दावा पुराना है। यह दुश्मनी तब से ही जारी है, लेकिन 20वीं सदी में जब 1948 में इसराइल की रियासत का क़याम अमल में आया तब से मुस्लिम दुनिया की अक्सरियत ने इसे तस्लीम करने से इनकार किया और फिर इसराइल का रियासती जबर, फलस्तीनियों के इंसानी हकूक की सलबी किसी से ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान ने भी इब्तदा ही से इसराइल को मानने से इनकार कर दिया था और तब से लेकर आज तक इसराइल हमारे लिए नाकाबिल तस्लीम रियासत है। लेकिन अब अरब दुनिया में तेजी से एक तब्दीली आ रही है। अमारात इसराइल को तस्लीम कर चुका है और इसके बाद से लेकर अब तक इस हवाले से मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि वो भी इसराइल को दरपर्दा तस्लीम कर चुके हैं। पिछले कुछ हफ्ते से वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बार बार उनसे ये सवाल पूछा गया और कई नामवर एंकर्स ने सोशल मीडिया पर इस मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार भी किया है। कुछ ने तो कई दलाइल भी दिए हैं कि हमें भी अपनी सफारती पोजिशन में एक लचक पैदा करनी चाहिए और मुत्तहिदा अरब अमारात की तरह हमें भी इसराइल से ताल्लुकात पर नजर सानी करनी चाहिए। लेकिन वजीर आजम ने कौमी और बैनुल अक्वामी मीडिया इंटरेक्शन में इस हवाले से पाकिस्तान का एक वाज़ेह मौकफ दोहराया है और यह असूली मौकफ कायदे आजम के फरमान के मुताबिक है। इसराइल को तस्लीम करने के फैसले पर तब तक नजरसानी नहीं की जा सकती जब तक इसराइल फलस्तीनियों के हकूक को तस्लीम नहीं करता और फलस्तीनियों पर रियासती जबर व सितम बंद नहीं करता। मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी इसी असूली मौकफ पर आज भी कायम है। लेकिन अब मैं आपसे वो बड़ी खबर शेयर करने जा रहा हूं जिसके बाद मुस्लिम दुनिया और खास तौर पर पाकिस्तान में इसराइल के हवाले से एक बार फिर बड़ी बहस छिड़ जाएगी। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि सऊदी अरब की मुस्लिम दुनिया में एक बुनियादी अहमियत है और उसकी वजह हरमैन शरीफैन का सऊदी अरब में होना और इस सरजमीन से मुसलमानों की दिली वाबस्तगी है। लेकिन अब मैं आपसे वो खबर शेयर कर रहा हूं जिसे पूरी दुनिया की सियासत में भूचाल आ चुका है। वो सऊदी अरब जो अब तक कई बार इसराइल से पसे पर्दा मुलाकातों और उसे तस्लीम करने के हवाले से इनकार करता रहा है, अब पहली बार खुलकर सामने आ गया है और बहरीन में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने खुलकर कहा है कि हम इसराइल के साथ मामूल के मुकम्मल ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए हमेशा से तैयार रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसल बिन फरहान ने खुलकर कहा है कि इस खत्ते में इसराइल को मुकाम मिलने और पायदारी के लिए आजाद फलस्तीनी रियासत के क्याम की जरूरत है। सऊदी वजीर खारजा ने यह भी कहा है कि इसराइलियों और फलस्तीनियों को दोबारा मुजाकरात की मेज पर लाने पर तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए। एक आजाद फलस्तीनी रियासत के क्याम ही से खत्ते में हकीकी अमन कायम होगा। इस बयान के बाद सऊदी अरब ने मशरूत तौर पर इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से अपनी पॉलिसी बता दी है। ये वही मौकफ है जो मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को तस्लीम करने से पहले अपनाया था। पिछले दो हफ्तों में कई ऐसी खबरें सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि सऊदी शाही खानदान इसराइल के अहम तरीन शख्सियात से मुलाकातें कर चुका है
और इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से अहम डेवलपमेंट होने जा रही है। अब इस खबर के बाद बिल्कुल वाजे हो चुका है कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बड़ा फैसला करने वाला है, और अगर सऊदी अरब ऐसा करता है तो उसके बाद इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से पाकिस्तान नहीं बल्कि दीगर इस्लामी ममालिक भी नजरसानी कर सकते हैं। लेकिन अभी हतमी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, अलबत्ता सऊदी अरब के बारे में साफ हो चुका है कि वह इसराइल के हवाले से अपनी पॉलिसी में तब्दीली करने जा रहा है। मैं आपको यह भी बता दूं कि यह कोई पहली बार नहीं हुआ है कि सऊदी अरब ने इसराइल के साथ अमन मुआहदे की बात की हो। सऊदी अरब इससे पहले 2002 में अरब अमन मुआहदा पेश कर चुका है, और सऊदी अरब कहता रहा है कि 2002 के अरब अमन मुआहदे पर इसराइल अमल दरामद करे और आजाद फलस्तीनी रियासत के क्याम के बाद वो इसराइल से सफारती ताल्लुकात कायम करेगा। अच्छा, एक दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान और भारत का शुरुआत में इसराइल के हवाले से कुछ ज्यादा मुख्तलिफ मौकफ नहीं था। गांधी और नेहरू भी फलस्तीन के हकूक पर वही असूली मौकफ रखते थे जो कायदे आजम का था। लेकिन फिर भारत ने अपनी सफारती पॉलिसी 1992 में तब्दील की और इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात को इस्तवार किया। सऊदी अरब की जानिब से 2002 में जो अमन मुआहदा पेश किया गया उसके मुताबिक इसराइल को अपनी सरहद 1967 में होने वाली जंग से पहले वाली हदूद तक वापस ले जाना होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने जब इसराइल को तस्लीम किया तो उसके फौरी बाद बिन्यामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया कि हमारी चंद अहम तरीन अरब ममालिक के साथ खुफिया तौर पर मुलाकातें होती रहती हैं और ये ममालिक इसराइल के तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, जिसका ऐलान मुस्तकबिल करीब में मुतवक्के है। और फिर हमने देखा कि मुत्तहिदा अमारात के बाद बहरीन और फिर बाद में सूडान ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए, और अब सऊदी अरब के हवाले से भी मुख्तलिफ अफवाहें ज़ेरे गर्दिश हैं। गुज़िश्ता दिनों जब इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू और सऊदी अरब के वलीहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान सऊदी अरब में ही एक खुफिया मुलाकात की खबरें सामने आई थी तो सऊदी अरब की जानिब से सरकारी तौर पर इसकी तर्दीद की गई थी, लेकिन इसराइली मीडिया मुसलसल इस खबर के मुसद्दका होने पर इसरार करता रहा था। अब सऊदी वजीर खारजा के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान के बाद इस हवाले से जल्द ही कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान पर भी अहम तरीन दोस्त ममालिक और ख़ास तौर पर सऊदी अरब की तरफ से मुमकिन दबाव पाकिस्तान की सफारती पोजीशन को तब्दील करने और इसराइल के हवाले से सफारती पॉलिसी पर नज़रसानी करने पर बढ़ सकता है। पाकिस्तान को खित्ते की बदलती सूरत हाल में बड़े फैसले करने पड़ेंगे, और कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की जंग में पाकिस्तान की सफारती पोजीशन पर किसी किस्म की तब्दीली ना करते हुए कश्मीरियों की आज़ादी की सफारती जंग मजीद तेज करनी ही पड़ेगी। बहरहाल, सऊदी अरब की तरफ से इसराइल के हवाले से इस बड़ी खबर का जनूबी एशिया की सियासत पर इंतहाई अहम असर पड़ेगा। देखते हैं आगे चल के इस सिलसिले में क्या डेवलपमेंट होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इस सिलसिले में क्या सोचते हैं। अगर सऊदी अरब ये सब कुछ करता है, आपके सिलसिले में क्या ख्याल हैं? अल्लाह हाफिज़।